हेलो गाइस, सबको स्वागत है मेरे भोजपुरी रिएक्शन चैनल पे। आज मैं रिएक्ट करूंगी केसरी लाल एंड साथ में सोनिया पोखरेल जी का एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही ब्रांडिंग सा, बहुत ही खूबसूरत गाने रिलीज हुआ है। ये गाने का नाम है हल्दी लगे जान के ये गाने। एंड ये गाने के लिए बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे एंड मैं भी तो वेट कर रही थी। सो चलिए, ये वेटिंग का टाइम खत्म हो गया एंड आज रिलीज हो गया। अन्नपूर्णा फिल्म ये यूट्यूब चैनल पे आज रिलीज हुआ है। एंड ये गाने का सिंगर है खेसरी लाल यादव एंड साथ में म्यूजिक किया है राज गजीपुरी और लिरिक्स लिखा है अखिलेश कश्यप। एंड ये गाने में फीचरिंग में है सोनिया पोखरेल जी। तो जानते हैं सोनिया पोखरेल जी टैटू गर्ल से नाम से हम सब लोग पहचानते हैं, जो क्या बोलते हैं सोनिया पोखरेल ने उसके हाथों में टैटू बनाया था खेसरी जी के लिए। एंड जब खेसरी जी नेपाल में शो किया था, स्टेज शो किया था, तब सोनिया पोखरेल जी के साथ मीट हुआ। वहाँ पे सोनिया पोखरेल को खेसरी जी बोला था कि एक गाने या कोई सिनेमा करेगा। तो देखो आज वो दिन आ गया जिस दिन यानी कि खेसरी जी ने जो जुबान दिया था वही आज हम लोग देखेंगे कि खेसरी जी के साथ सोनिया पोखरेल जी का एक नए गाने एंड ये फर्स्ट सॉन्ग है। सो चलिए, ये फर्स्ट सॉन्ग पर ये सैड सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग यानी कि रोमांटिक सॉन्ग या लव सॉन्ग नहीं, ये भोजपुरी सैड सॉन्ग है। सो सोनिया पोखरेल जी के साथ खेसरी जी ने ये फर्स्ट टाइम सैड सॉन्ग से ही शुरू किया है। सो चलिए गाने को देखते हैं हल्दी लगे जान के। सो गाइस लेट्स प्ले। अच्छा फर्स्ट में हल्दी लगा है सोनिया पोखरेल जी। अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में टिकटुक में हल्दी लग रहा था, हाँ तो खेसरी जी के ही फोटो है। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ बाना? घरे बानी। अरे जल्दी आओ ना। अरे इतना जल्दी कब? हमरा इसे कुछ नहीं के सुने के, जल्दी आओ ना। अरे तो इतना घबराई काहे बड़ी? हमरा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना। ठीक बा आओ। अच्छा जल्दी आने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसकी शादी हो रहा है, बहुत ज्यादा है, शादी हो रहा है, तो बहुत हो रहा है। ये म्यूजिक बहुत ही इमोशनल है, वाओ, सो हार्ट टचिंग म्यूजिक है। पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। हाँ पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोते रोत मिले हमसे आयल बड़ी, रोत मिले हमसे आयल बड़ी, हमर जान आज हर दिसे लताइल बड़ी, हमर जान आज हर दिसे लताइल बड़ी। मुझे मीठा आया हर दिशा
हमर जाना आज हो रही से दोनों खुश था पहले में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को पर बिछड़ना पड़ेगा ना शाउटिंग का ओ माय गॉड रोवाला से इनका झोरे बना के पाता प्यार के मतलब रब जी जाजुए बुझाता को खफा नहीं थी काहे की जान बेवफा नहीं थी अखिलेश के खेसारी खाती भुलायल बड़ी अखिलेश के खेसारी खाती भुलायल बड़ी हमर जान आज हो रोती से लताइल बड़ी हमर जान आज हो रोती से कुर्बानी के नाम ही तो प्यार होला और प्रेमी से बड़ी की परिवार होला सबके इज्जत के बात ना जान तोरे चले के परी चल ना कितना बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा नहीं बता नहीं सकते कि इतना ज़्यादा इमोशनल एंड इतना ज़्यादा सैड टाइप सॉन्ग है आपको इमोशनल कर ही देगा है आपका आंखों में पानी आ जाएगा ये गाने जब बहुत से ये गाने जब बहुत ज़्यादा फील लेकर आप सुनोगे मन से बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग एंड सो इमोशनल एंड सो क्या बोलोगे क्या सॉन्ग गाए खेसारी जी ने खेसारी जी ने जब ये गाने को गाए मुझे लगता है तब भी रोया था एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन तो हमने देखा है कि इतना रोना हुआ सा एक्सप्रेशन है ओ माय गॉड इतना सच में जो लोग रियल में लव करते हैं बहुत क्रेजी टाइप का लव करते एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ऐसा ही होते हैं उसके साथ एंड ये प्यार के लिए सब लोगों को फैमिली की क्या बोलते हैं खुद की सेक्रीफाइस करना पड़ता है यानी कि फैमिली की इज्जत के लिए फैमिली के सम्मान के लिए प्यार को छोड़ना पड़ता है एंड प्यार को कुर्बानी देना पड़ता है तो वही प्यार होते हैं यही सिखाया खेसारी जी ने लास्ट में दो लाइन लिखा था हिंदी में पर मैं पढ़ नहीं सकती यहाँ पे क्या लिखा है पर खेसारी जी ने जब बोल रहा था लास्ट में कि फैमिली की इज्जत का सवाल है तुम्हें वापस जाना होगा एंड कुर्बानी के नाम ही प्यार है तो ये दो बातें बहुत ही झलक सच में ये एक सॉन्ग नहीं है ये यहाँ पे बहुत इमोशंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है यहाँ पे सब लोगों को यही दिखाया गया कि प्यार के लिए फैमिली को छोड़ो मत प्यार के लिए भाग के मत जाओ प्यार के लिए कुर्बानी दो वही प्यार होते हैं सच में बहुत ही अच्छा गाना बने एंड हम लोगों को सब लोगों को यही यहाँ पे ये गाने से सीखना है कि सच में अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे तो उसके लिए फैमिली को छोड़ो मत चाहे जिसको प्यार करते हो उसको छोड़ दो प्यार को कुर्बानी दो पर फैमिली को मत छोड़ो क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या होता है सोसाइटी में इंसान होना पड़ेगा फैमिली को सब लोग बुरा कहेगा तो ये अच्छा नहीं होगा तो इसलिए एक इंसान को वही होते हैं एक इंसान जो प्यार की कुर्बानी देते हैं एंड प्यार वही होता है सच में खेसारी जी का बहुत अच्छा लगा ये मैसेज दे रहे थे खेसारी जी ने ये वीडियो के साथ एंड सच में ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है बहुत ही रियल लव स्टोरी हार्ट ब्रेक लव स्टोरी है एंड मुझे लगता है ये गाने का स्टोरी जो बनी है सच में ये सैलूट देते हो जो जिन लोगों ने ये गाने की स्टोरी चुना है एंड जिन लोगों ने गाने की स्टोरी मेक किया है सच में सैल्यूट देती हूँ बहुत ही अच्छा लगा लास्ट का सीन बहुत ही अच्छा लगा एंड लास्ट का सीन देखकर सच में मुझे भी आँखों में थोड़ा सा पानी आ गया पर मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कि मैं नहीं चाहती कि आपके साथ सामने रो क्योंकि तो सच में जिंदगी में ऐसा होते किसी के साथ सबके साथ भी ऐसा होते हैं पर उस टाइम उस सिचुएशन में यही सोचो कि प्यार को कुर्बानी दो पर फैमिली को मत छोड़ो
कहीं जो भी हो, केसरी जी ने यही सिखाया है ये वीडियो से। एंड केसरी जी ने यहाँ पे दिखाया कि केसरी जी कितना ज्यादा दूसरों को प्यार करते हैं, पर फिर भी प्यार के खातिर फैमिली को मत छोड़ने के लिए बोला है, प्यार को कुर्बानी दिया। एंड यहाँ पे जो भी सीन दिखाया सच में बहुत ही हार्ट टचिंग, सो इमोशनल सॉन्ग क्या दिखा मैंने, इतना ब्रांडिंग सॉन्ग बना है, वाओ, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री सच में बहुत ही अच्छा है। एंड म्यूजिक तो सो इमोशनल, एंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा बनी है, लिरिक्स भी बहुत अच्छा था, सो इमोशनल लिरिक्स यहाँ पे क्या बोलते हैं था। एंड खेसरी जी का, सोमिया पोखरल जी का, दोनों का बहुत अच्छा केमिस्ट्री, बहुत अच्छा इमोशनल एंड हार्ट टचिंग सीन यहाँ पे दिखाया, क्या एक्टिंग किया है, वाओ अमेजिंग। सोमिया पोखरल जी का ये फर्स्ट सॉन्ग है, पर ये फर्स्ट सॉन्ग में खेसरी जी के साथ सोमिया पोखरल जी जिस तरीके से केमिस्ट्री बना है, जिस तरीके से एक्सप्रेशन देकर एक्टिंग क्या है, सच में अमेजिंग सोमिया पोखरल जी, यू आर ग्रेट। एंड साथ में खेसरी जी भी ऑल टाइम ग्रेट है। सो जो भी बहुत अच्छा लगा, एंड मन से करे, दिल से करे, सच में बहुत प्यारा सा गाना है। सो जो भी हो, ये गाने को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर कर देना, और साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये गाने जो ओरिजिनल लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो प्लीज़ ओरिजिनल लिंक पे जाओ एंड ओरिजिनल वीडियो को देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी वीडियो को। सो आज मैं चली जाती हूँ, एंड दुआ है खेसरी जी के लिए, दुआ है सोमिया पोखरल जी के लिए, एंड दुआ है उन लोगों के लिए जो लोग प्यार के खातिर कुर्बानी देते हैं। सो आज मैं चली जाती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब के लिए